सो गाइस, अभी के क्लास में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आपका पीवाईक्यू का है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, मतलब ये जितना भी फ्रैक्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो ऐसे तो आप देख करके बता दोगे, कि ऐसे भी अगर कोई गैस करके देना चाहे तो आंसर आ सकता है, बट हम इसको देखेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो है दैट इज दिस वन, सबसे पहला ऑप्शन। सो आपका 65/80, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्रॉस करने का देखते हैं कि हाँ इसको मतलब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आंसर आता है। 5 की टेबल्स इसको सबसे पहले कट करेंगे। 5 1 5, 5 3 15, एंड 5 1 5 एंड 5 6 30। तो इसको सिंप्लीफाई करने से 13/16 आ रहा है। अब यहाँ पे देखोगे, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका एक और बी नंबर ऑप्शन, दैट इज 11/16। तो अगर हम 13/16 और 11/16 को कंपेयर करें तो हमें साफ पता चल रहा है कि इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू आपका ये वाला है। तो ये वाला आंसर ऐसे भी नहीं होगा, देख के ही पता चल रहा है, तो इसको पहले ही मैं क्रॉस कर दे रही हूँ कि ये आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन है बी सी एंड डी, तो अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो सी ऑप्शन को देखते हैं। सी वाला ऑप्शन है 5/8। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की जगह हम एक बार डिवाइड करके भी देख सकते हैं, एक ये मेथड भी है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट देंगे 0, 5 6 48, एंड यहाँ पे हो गया 2 0 8 2 16, एंड फिर यहाँ पे 4, फिर 5 टाइम्स में 40 में कट हो जाएगा ये। मतलब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने से यहाँ पे आपका क्या आंसर आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई किया तो 0.625, ठीक है। अब हम डी वाले को भी सॉल्व करते हैं। 29/40 है, ठीक है। सो 29/40 लिखा। अब इसको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 29/40 को नहीं जाएगा, साफ पता चल रहा है। पॉइंट दिया 0 लिखा। अब 4 के टेबल में 4 8 32 होता है, एंड 4 6 4 का अगर टेबल अगर हम पढ़े तो 4 7 1 होता है 28, 4 7 21, 28। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जा रहा है 0.7 में चला जा रहा है, बट इससे पहले ऑलरेडी हमारा एक आंसर आया हुआ है जो 0.6 पे है। तो यहाँ पे आपका 0.7 के आगे हम इसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके बाद पता चल रहा है कि ये बिगर वैल्यू होगा, तो इसको क्रॉस कर दिया। अब कॉम्पिटिशन इज बिटवीन सी एंड डी, तो 11/16 का भी हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 11/16 को डिवाइड किया 11 से, तो 11/16 में अगर हम इसको करेंगे सॉल्व तो आपका यहाँ पे आप पॉइंट दोगे 0, तो 16 2 32, 16 का अगर टेबल देखोगे इसको सॉल्व करके, तो यहाँ पे भी आपका जो आंसर आएगा उससे कंपेयर करेंगे तो आपका ये वैल्यू इज द सबसे स्मॉलेस्ट। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे, डिवीजन मेथड से इसको बोल सकते हैं। डिवीजन मेथड से भी ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इसको फर्दर कैलकुलेशन करके देख लेना, बाकी सबको जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बताया है। एंड सो सबसे स्मॉलेस्ट आपका जो फ्रैक्शन होगा, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज 5/8। एक और तरीका है जो एक लर्नर ने शेयर किया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये वाला तरीका से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये क्या क्या ऑप्शन था, 65/80, 11/16, 5/8, 29/40। हम एक काम कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, हम एक सबसे पहले ये सबका एलसीएम निकाल ले रहे। किसका, 80 का एलसीएम निकाला, 16 का एलसीएम निकाला, और 8 का एंड 40 का एलसीएम। अगर इसका निकालोगे तो एलसीएम आपका 80 आएगा। अब हम एक एक फ्रैक्शन को 65/80, 65/80 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 80 लिख करके इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करें। यहाँ पे भी 80 लिखा, 80 लिखा, 80 लिखा, सबको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो वैल्यू बच रहा है, जैसे कि यहाँ पे 80 80 क्रॉस हो गया, क्या वैल्यू बचा, 65। तो 65 यहाँ लिखा। अब यहाँ पे 80 और 16 है, इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पे आपका 5 टाइम्स में होगा, तो यहाँ पे 11 × 5 आपका सेकेंड फ्रैक्शन से आपका वैल्यू निकल के आ रहा है 11 5, ठीक है। अब यहाँ 8 को 10 टाइम से 80 क्रॉस किया, 8 को 10 टाइम से आप यहाँ बचा 5 × 10, ठीक है। यहाँ पे 40 था पहले से और 80 को लिखा, तो 40 को
टू टाइम्स में अगर किया तो 80 से गया तो 29 इंटू टू बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इसको 65 का 65 लिखा, इसको सॉल्व करके 55, इसको सॉल्व किया तो 50 एंड 29 इंटू टू दैट इज 58। अब इस तरीके से भी इसको इतना सिंप्लीफाई करने के बाद आपको साफ पता चल रहा है कि सबसे आपका इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा हो सकता है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 55, दैट मीन्स आपका 55 किसका फ्रैक्शन था, 55 आपका, सॉरी 55 नहीं, आई एम सो सॉरी, 55 में क्या बताया मैंने, हाँ सबसे स्मॉलेस्ट आपका हो गया 50, सबसे स्मॉलेस्ट 50, क्योंकि 55 तो उससे भी बड़ा है ना, सबसे स्मॉलेस्ट हो गया 50। सो दैट्स वाई आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपका 55 बिग नंबर था, तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा फ्रैक्शन चलेगा, 50 किसका कैलकुलेशन था, 5 × 10 दैट वॉज इसका कैलकुलेशन था, तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, 5/8 इज द करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे भी करके आप सॉल्व करते हो, तो दो मेथड है, दोनों मेथड से आप सॉल्व करके देख सकते हो, जिससे आपको इजी लगे आप एग्जाम में उस मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। चलो हो गया ये सेशन यहीं पे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कहीं कुछ डाउट हो आप कॉमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हो, सॉल्व किया जाएगा ओके आपके डाउट को, ठीक है, थैंक यू सो मच।